ये शादी भी एक थका देने वाला काम है ऐसे। सजल, ये लम्हा मैंने एक अरसे तक अपने ख्वाबों में देखा है। आज जब ये मेरे सामने है तो मुझे डर है कि कहीं ये ख्वाब ही ना हो। अरसे से वो एक लंबी दास्तान है, मैं फिर कभी बताऊंगा आपको। यू नो, इस रात आई थिंक लोग बहुत खूबसूरत बातें करते होंगे, मुझे वो सब नहीं आती। बस मैं आपसे इतना कहूँगा कि आपके साथ एक घर बनाना चाहता हूँ, इसमें सिर्फ खुशी हो, सिर्फ सुकून, और कुछ भी नहीं। आपके घर वालों की हमेशा रिस्पेक्ट करूँगा, उनकी हमेशा केयर करूँगा, और आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी बहनों और मेरी अम्मी का इसी तरह से एहतराम करेंगी, उनके साथ अच्छा सलूक करेंगी। ऑब्लिगेशन नहीं है आप पर, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट अगर आप करेंगी तो अच्छा लगेगा। रही बात अप्पा की, तो बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, बड़ा मुश्किल टाइम था, आसान नहीं था वो सब कुछ, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी थी, सब कुछ हो गया, सारी जिम्मेदारियां भी पूरी हो गई। अगर उस सब के बीच मैंने खुद को कहीं खो दिया, खैर ये बातें तो बाद में भी हो सकती हैं, अब तो हम साथ हैं। एतबार की ईंट से शुरू करते हैं, बुनियाद रखते हैं, बाकी सब कुछ खुद ही हो जाएगा। और इस सब के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो भूल ही गया, सजल आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं।